दोस्तों, एक कहावत आपने सुनी होगी, टाइम इज मनी, यानी समय ही पैसा है। और ये बात बिल्कुल सच है। कभी आपने एक बात पर ध्यान दिया है कि ईश्वर ने इस दुनिया में हर इंसान को बहुत सी चीजें कम या ज्यादा दी। एक इंसान का रंग बहुत गोरा है, दूसरे इंसान का बहुत काला। एक इंसान को बहुत लंबा बनाया, दूसरे इंसान को बहुत छोटा। एक इंसान को बहुत खूबसूरत बनाया और दूसरे को बहुत कम। एक इंसान को बहुत स्वस्थ बनाया, दूसरे को थोड़ा कमजोर। ऐसी बहुत सी चीजों में शायद ईश्वर ने हमसे भेदभाव किया है, लेकिन एक चीज ईश्वर ने हम सबको बराबर देकर भेजा है और वो है समय। ये ईश्वर ने हर व्यक्ति को एक दिन में 24 घंटे देकर भेजा है। इसमें ईश्वर ने कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति को एक दिन में 48 घंटे दिए हों और दूसरे व्यक्ति को 24 घंटे। ईश्वर ने सबको बराबर समय देकर भेजा है और इस समय का उपयोग आप कैसे करते हैं, इसी पर आपकी सफलता या असफलता निर्भर करती है। एक व्यक्ति 24 घंटों का इस्तेमाल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करता है, दूसरा उन 24 घंटों को ऐसे ही खराब कर देता है। इस दुनिया में सबसे अमीर आदमी के पास भी एक दिन में 24 घंटे होते हैं और सबसे गरीब आदमी के पास भी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। आप भी अपने आप को चेक करो कि आप अपने 24 घंटों का उपयोग कैसे करते हैं। इन 24 घंटों में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप क्या करते हैं? अगर आपका जवाब है कुछ नहीं, तो आपको सतर्क होना पड़ेगा। आप अपना बहुमूल्य समय बेकार कर रहे हैं और जीवन में गुजरा हुआ वक्त दोबारा वापस नहीं आ सकता। इस दुनिया में जिस इंसान ने समय की वैल्यू को समझा है, समय ने उस व्यक्ति की वैल्यू को बढ़ाया है। इसलिए कहा गया है कि जो समय की कद्र नहीं करता, समय भी उसकी कद्र नहीं करता। एक एक सेकंड आपका बहुत कीमती है और इसलिए किसी ने लिखा है, एक साल की कीमत उस विद्यार्थी से पूछो जो परीक्षा में फेल हो गया है, वो बताएगा एक साल की कीमत क्या होती है। उसके सारे दोस्त आगे निकल गए और वो उन सबसे पीछे रह गया। 9 महीने की कीमत उस माँ से पूछो जिसने 9 महीने अपने बच्चे को अपनी कोख में रखा। इन 9 महीनों तक उसने वो नहीं किया जो उसका मन चाहता था, बल्कि वो सब किया जो बच्चे के लिए जरूरी था। और 9 महीने बाद उसकी गोद में एक सुंदर बच्चा आया, वो बताएगी 9 महीने की कीमत क्या होती है। 2 महीनों की कीमत उस माँ से पूछो जिसका बच्चा प्री मैच्योर यानी समय से पहले इस दुनिया में आया और वो बच ना सका, वो बताएगी 2 महीने की कीमत क्या होती है। अगर 2 महीने और गुजर जाते तो आज उसका बच्चा उसके साथ होता। 1 महीने की कीमत उस नौकरी करने वाले से पूछो जिसको पूरे महीने काम करने के बाद उसकी सैलरी मिलती है, वो बताएगा 1 महीने की वैल्यू क्या होती है। 1 हफ्ते की कीमत उन बच्चों से पूछो जो पूरे हफ्ते इस बात का इंतजार करते हैं कि संडे को पापा की छुट्टी होगी और वो हमें कहीं बाहर घुमाने ले जाएंगे, वो बच्चे बताएंगे 1 हफ्ते की कीमत क्या होती है। 1 दिन की कीमत उस मजदूर से पूछो जो पूरे दिन काम करता है और शाम को पैसे ना मिलने के कारण उसके घर का चूल्हा नहीं जलता, वो मजदूर बताएगा 1 दिन की कीमत क्या होती है। 1 घंटे की कीमत उस प्रेमी से पूछो जिसकी प्रेमिका 1 घंटे देर से आती है, वो 1 घंटा उस प्रेमी को पूरे दिन के बराबर लगता है। 1 मिनट की कीमत उस आदमी से पूछो जिसके 1 मिनट लेट हो जाने के कारण उसकी ट्रेन उसके सामने से निकल गई, वो ट्रेन को नहीं पकड़ पाया, वो व्यक्ति बताएगा 1 मिनट की कीमत क्या होती है। और दोस्तों, 1 सेकंड की कीमत
एक सेकंड की कीमत उस व्यक्ति से पूछो जिसका अभी अभी एक खतरनाक एक्सीडेंट होते हुए बचा है, और वो जिंदा है वो व्यक्ति बताएगा कि एक सेकंड की कीमत क्या होती है। तो दोस्तों, समय को कभी भी बर्बाद मत करो। अगर आप समय के महत्व को समझकर इसका सदुपयोग करोगे तो आप भी जीवन में सफल इंसान जरूर बनोगे, और आप भी एक दिन खुद कहोगे कि टाइम इज मनी, यानी समय ही पैसा है।